खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के सामने जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नासिक नादिर के नेतृत्व में 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष नासिक नादिर ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे उन्होंने अपनी 10 सूत्री मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, किशनगंज के AMU शाखा को फंड रिलीज के साथ साथ जिले के विभिन्न नदियों पर बांध निर्माण सहित स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। सर, हमारी 10 मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णिया में हाईकोर्ट का एक बेंच हो, पूर्णिया में अभिलंब एयरपोर्ट की शुरुआत हो, पूर्णिया में को उपराजधानी का दर्जा क्यों नहीं मिला आज तक। सर, हमारी EMU फंड क्यों नहीं रिलीज हुआ। सर, किशनगंज में जो मुख्य नदी है, मुख्य नदियों का बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ। सर, अवैध खनन। सर, हमारे सुजापुरी जो आरक्षण जो केंद्र में आज तक हम लोग को नहीं मिला, सुजापुरी आरक्षण की मांग है। सर, स्वास्थ्य विभाग। सर, पूरी तरह से पूरे बिहार में किशनगंज में 126 पंचायत है और सिर्फ 39 डॉक्टर है, डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं हुई, स्वास्थ्य विभाग ठीक क्यों नहीं हुआ। सर, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, ये दोनों चचा भतीजा। सर, केंद्र सरकार ये दोनों लगातार बिहार सरकार 30 साल से तानाशाही कर रहा है यहाँ की जनताओं के साथ। सर, माने श्री राजेंद्र पप्पू यादव जो सबसे ज्यादा गरीबों के बीच रहते हैं, सर उसके टीम के किसी भी एक सदस्य को अगर 24 घंटा के लिए स्वास्थ्य विभाग ठीक कर दिया जाए, माने उप मुख्यमंत्री को इसका जवाब 24 घंटा के अंदर मिलेगा। सर, स्वास्थ्य विभाग, बांध निर्माण कार्य, अवैध खनन, AMU फंड, बिहार पुण्या को उपराजधानी का दर्जा। सर, माननीय खेत मंत्री, सर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार को एक स्पेशल पैकेज की मांग है हमारी। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल, सर इसको एक स्पेशल स्टेटस की मांग है हमारी। ये हमारी बहुत बड़ी संघर्ष की लड़ाई है, ये मेरी पहली धरना है। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये एक आपके लिए वार्निंग है। इसके बाद मेरा अगला कार्यक्रम 1 दिवस उपवास है, NH-31 जाम है, रेलवे जाम है, कोसी सीमांचल मिश्रांचल 6 फरवरी को पूरे स्तर से बंद है। सर, ये मेरी वो हमारी जन अधिकार की संघर्ष मुद्दा, हमारी मांगे पूरी करना होगा, नहीं तो इसके बाद जो पार्टी के आदेश होगा उसके साथ हम लोग काम करेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन कर